देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आज दूसरी परीक्षा खत्म हो गई, कल तीसरी परीक्षा है और हम अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसे ही भीमराव सारी परीक्षाएं पास कर लेगा और हम हाथ पे हाथ धरे उन्हें मिठाई बांटते देखते रहेंगे। बाबा पर समझ भी तो नहीं आ रहा कि क्या करें। मेरे हिसाब से तो भीम को चाल के अंदर से उठाकर 3 घंटे के लिए बंद कर देते कहीं। परीक्षा खत्म। हाउस जोखू को उठाना आसान था, भीमराव को नहीं। बाबा, भीमराव तक पहुंचने के लिए बहुत लोगों को लांग कर जाना होगा। हाँ तो वो जीजा भाई है ना? अरे वो कब काम आएगी हमारे? और वो खुद भी तो चाहती है ना कि भीमराव उसके साथ ना रहे। लेकिन बाबा, वो जीजा भाई तक हमारी खबर कौन पहुंचाएगा? वो हो जाएगा। बस फिर तो हो गया। तुम दोनों जैसे जोखू को उठाकर लाए थे ना, वैसे ही भीमराव को भी लिया। ठीक है बाबा, भीम राव कल की परीक्षा नहीं देगा। बहुत रात हो गई है, मैं खाने का देख कर आती। नहीं नहीं नहीं, तुम लेटी रहो, खाने का मैं देखता हूँ, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। लेकिन क्यों? मैं ठीक हूँ। फिर भी तुम लेटी रहो, मैं देखता हूँ। भीमबाव चलिए खाना खा लेते हैं। हाँ, मैंने कहा ना, तुम चुपचाप यहाँ लेटी रहो, मैं खाना लेकर आता हूँ और यही खिला दूंगा तुम्हें। दीदी आप समझाइए ना इन्हें, तब से मैं कुछ भी कह रही हूँ तो ये बस यही कह रहे हैं कि नहीं तुम सो जा। भाभी पहले आप इसे समझाइए, ये समझ ही नहीं रही है कि इसे आराम करने की बहुत जरूरत है, अपने पति की बात नहीं मान रही है। आप ही जरा अपने देवरानी को समझाइए। अरे आप अपने देवर को समझाइए। दीदी क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस देवर और देवरानी के झगड़े के बीच में जब जेठानी होती है तो इतना अपनापन भी होता है, ये मुझे नहीं पता था। बस इसी अपनापन ने रुला दिया। चलिए खाना खा लेते। और देवर जी, पत्नी जब तक अपने पति को भरपेट खाना ना खिला दे तब तक पत्नी का पेट नहीं भरता, इसे भी जाने दीजिए ना। सुना क्या कहा? चलिए। लेकिन अचानक से मालिक ने मिलने क्यों बुलाया? पता नहीं, बस बुलाया। प्रणाम मालिक। प्रणाम मालिक। क्या हुआ, आपने इतनी रात को अचानक से बुला लिया? जरूरी बात थी इसीलिए बुलाया। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब घर में सब सो जाए तो तू हमें इशारा करना, हम भीमराव को उठा कर ले जाएंगे
और कल परीक्षा के समय उसे बंद रखेंगे ताकि वो परीक्षा में फेल हो जाए। ठीक है, जैसे ही सब सो जाएंगे मैं बर्तन साफ करने के बहाने चाल से बाहर आऊंगी। आप समझ जाना। हाँ हाँ, अति उत्तम। अब जल्दी से जाती हूँ मैं, सब खाना खाने वाले होंगे। ठीक है। कुछ पहले जैसे काहे नहीं चल सका था। सब पहले ही जैसे तो चल रहा है। दोपहर में तुम हमरे ऊपर हाथ उठाए और रात को हम तुम्हें थाली परोस के दिए, पंखा भी झल रहे हैं, और कैसे चलेगा पहले जैसे? अरे मतलब जैसे पहले मिल के साथ में काम करत रहे ना, वैसे नहीं, वो नहीं हो सकता है। ऐके बहुत हिम्मत करके अपन अलग से काम शुरू किए हैं। जब हमके अकेले ही काम करे के है तो फिर हम अपन काम करेंगे, तुम अपन काम करो। ए फुलिया, भाषण ना दे, जो उनका ही रहे हैं वो बात मान ले। तुम्हारे गुस्सा करे से ना हम डर ना ही जाइबे। ये चुपचाप खाना खाओ। नहीं खाए काम का तुम मत खाओ। खाना खा के ना हमरे ऊपर कौनो एहसान नहीं कर रहे हो। हम नहीं खाओगे तो कल से बनाई बनाई करेंगे। नौटंकी कहीं के खुद तो खाना बनाने आवत नहीं है तो तुरंत खाए लगे, लेकिन ये बारी जो खुद तुमका महंगा पड़ेगा। तुम समझ जाइबो कि पति पत्नी के रिश्ते में दोनों बराबर होते हैं। सो गए, बाहर जाकर इशारा कर देती हूँ कि आकर भीम को उठा ले जाए। चलिए भाऊ, उठा कर ले जाते हैं भीमराव को। चलिए। बहुत दर्द सहा है आज सबने, लेकिन कल
कल कोई दर्द नहीं सहेगा सिवाय उस भीम के, क्योंकि कल वो परीक्षा ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि शिशुपाल और महीपाल आज उसे ले जाएंगे। ये जीरा भाई क्या है ये? वो भीमराव अंदर घर में कहीं नहीं है। क्या अभी तो सो रहा था अंदर? रुको मैं देख के आती हूँ। आई कहा था ना आपसे कभी सबूत के साथ मत फंसिएगा। पर हाँ आप दोनों तो मेरे पति को अगवा करके ले जाने आए थे ना। चाहिए कीजिए उन्हें अगवा जाइए। हाँ वो बात अलग है कि वो आपको अंदर मिलेंगे नहीं, क्योंकि क्या है ना आप दोनों से पहले ही मैंने अपने पति को खुद अगवा कर लिया। आप दोनों खुद को बहुत शातिर समझते हैं ना, तो जाइए और कल उन्हें कॉलेज पहुंचने से पहले ढूंढ कर दिखाइए। अगर ढूंढ लिया ना कसम खाती हूँ अपने पति की कि वो परीक्षा नहीं देंगे। अपनी बात पर अडिग रहोगी ना तुम? बिल्कुल, भीमराव अंबेडकर की पत्नी हूं, अड़िग ही रहूंगी। और इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। रमा अब हम कल परीक्षा से पहले भीमराव को तो कहीं से भी ढूंढ लेंगे, और तू अपने पति को परीक्षा में बैठने से रोकेगी। कभी स्नातक नहीं कर पाएगा भीमराव, कभी नहीं। जीवन भर अपने पति के पढ़ाई पे बहुत इतराती रही है ना तू, कल अपने ही हाथों से अपने ही पति की पढ़ाई खत्म कर दोगी तू। वो तो समय ही बताएगा। अब आई कहा था ना मैंने आपसे कभी सबूत के साथ ना पकड़े जाएं। जीजा भाई अब पकड़ी गई तो पकड़ी गई, भीम की तरह अपनी बात पर अड़ीग हो जा, जो होगा सो होगा। हाँ पकड़ी गई सबूत के साथ तो क्या कर देंगे? अगर मैं जाकर बाबा को बता दूं कि आपने भीम भाव को अगवा करने के लिए महीपाल और शिशुपाल की मदद की तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जानती हैं अच्छे से कि बाबा सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भीमभाव की पढ़ाई में खलल हो ये बाबा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको इस घर से निकाल सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं वो। और अगर आप बहस करेंगी ना तो वो खुद भी ये घर छोड़कर जा सकते हैं। और आप ही ने कहा था ना कि मेरा जो मन करे मैं वो करूं, तो ठीक है अब मैं जाकर बाबा को सब कुछ बताती हूं, फिर आप तैयार रहिएगा कि आगे क्या हो सकता है। अगर इसने जाकर उन्हें सब सच सच बता दिया तो वो सच में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फिर वो ऐसा कुछ कर देंगे जिससे हम दोनों अलग हो जाएंगे, और ये मैं होने नहीं दे सकती। मुझे कुछ भी करके इस करुणा को रोकना ही होगा।
आई, मैं यहां हूं। मैंने बाबा से कुछ नहीं कहा और ना ही कहूंगी, क्योंकि मैं बस ये देखना चाहती थी कि आपके मन में उनको खोने का डर है या नहीं। और साफ दिख रहा है कि डर है। तो आई, बस इसी डर का एहसास कीजिए और ऐसा कुछ मत करिए कि हम भीम भाव को खो दे या भीम भाव अपनी पढ़ाई खो दे। तुझे तो मैं अच्छे से देखूंगी करुणा। भेजो अपने सारे आदमियों को उस भीमराव को ढूंढने के लिए और सबको समझा दो कि जान लगाकर ढूंढे उस भीमराव को और सुबह परीक्षा शुरू होने से पहले पहले उसे पकड़कर कॉलेज के गेट के सामने बांध दे। वहीं सबके सामने उस रमा से कहलवाएंगे कि भीमराव अब आगे नहीं पढ़ पाएगा। सही रहेगा ना? हा? जी बाबा, कह दिया है सबको, सब ढूंढ रहे होंगे उस भीमराव को। और कल की परीक्षा खत्म होने के बाद हम जश्न मनाएंगे, भीम के परीक्षा न दे पाने का जश्न। और उसकी तैयारी मैं करने जाता हूं और उस जश्न में मैं ऊंची जात वाले लोगों को यह बताऊंगा, इन्होंने अपनी जात का जो प्रतिनिधित्व मुझे सौंपा है उसे कितनी अच्छी तरह से निभा रहा हूं मैं। सब दिल खोल कर तालियां बजाएंगे। अच्छा लगेगा मुझे, अच्छा लगेगा। भीमराव अब तो तू गया, अब हम भी सो जाते हैं। जहां हमने उन्हें रखा है वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, सही बोल रहे हो तुम। ठीक है, अगर कोई भीम को उठाने आया था और तुम दोनों को पता चल गया था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बताना चाहिए था ना। ऊपर से तुमने उन्हें चुनौती भी दी है कि अगर वो पता लगा ले कि भीम भाव कहाँ है तो तुम उन्हें परीक्षा देने से खुद ही रोकोगी। रमा, ये तो ज्यादा आत्मविश्वास की बात हो गई ना। रमा, इस बात से मैं भी असहमत हूँ, लेकिन भीम है कहाँ? देखिए, मैं जानती हूँ कि आप सब लोग भी उनके लिए उतने ही चिंतित हैं जितने मैं, और मैंने ये सब इसलिए किया कि मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। उन्हें छुपाना मुझे इसलिए सुरक्षित लगा क्योंकि कल रात में जैसे उन्हें अगवा करने आए थे वैसे आज अगर कोई रास्ते से उठा लेता तो क्या करते हम? लेकिन भीम जहां भी है उसे कॉलेज तो पहुंचना ही होगा ना, वो लोग तो उसे रास्ते से भी उठा सकते ही है ना। हाँ रमा, हम सब मिलकर भीम को अपनी सुरक्षा में कॉलेज लेकर जाएंगे, बस तुम हमें भीम तक ले चलो। चलिए। चल बेटा। ये रमा और करुणा ने मिलकर ऐसा क्या किया है जो बार बार एक दूसरे को देख रही थी? एक नंबर के निकम्मे हो तुम दोनों। देखो सुबह हो गई, अभी थोड़ी देर में परीक्षा शुरू हो जाएगी और तुम लोग को भीमराव मिला ही नहीं। बाबा बहुत कोशिश करी, सब जगह ढूंढा। अरे चुप कर, क्या पता वो चौर में चुप कर बैठा हो। नहीं मालिक,
चाल में भी नहीं है, क्योंकि रमा और उसके परिवार वाले भीम को कॉलेज पहुंचाने खुद चाल से निकलकर भीम के पास जा रहे हैं। बाबा, उनसे पहले हमें भीमराव को ढूंढना होगा, हर हाल में ढूंढना होगा। अरे ढूंढना छोड़, वो रमा और उनके साथ जो है ना, उनके पीछे पीछे जा। वो सब गए तो हैं भीमराव को लेने ही ना। अरे जैसे ही भीमराव मिले घेर लो उसे, और किसी भी कीमत पर भीमराव को कॉलेज पहुंचने मत दो, समझ गए? सही कह रहे हैं बाबा। बाबू चलिए, मारपीट नहीं करेंगे बल्कि जड़ी बूटी साथ लेकर चलेंगे, जिसको जलाकर धुआं करेंगे और सब बेहोश हो जाएंगे, और तब तक परीक्षा खत्म। अरे भाऊ, धुएं से तो हम भी बेहोश हो जाएंगे ना। कैसी बात करते हो, हम अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर चलेंगे ना। सही, एकदम सही सोचा तूने बेटा। जा जा जा, जा समय निकल रहा है, जल्दी करो, जाओ जाओ। कब तक बचेगा भीमराव? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे।